हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में क्लास में हम क्या कर रहे हैं वो दिखाने वाला हूँ। वैसे आज हाफड़े है, पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं, तो वीडियो में बने रहे और दिखाता हूँ तुम्हें क्या हो रहा है आज कैसे। वेयर आर यू गोइंग? For eating food. Yeah. Now we are going for eating food. It's our lunch time. Yes. For the camera. ये देख ऐसे अच्छे लगे, इतने खूबसूरत खूबसूरत अच्छे। अफान को कॉल कर, ये किधर बोलो आने। बी क्लास में चलते हैं, हम ही चलते हैं। चल अफान आ गया है, अभी जाएंगे खाना खाने। मोबाइल यूज करते हो, पकड़ा गया। अरे कौन सर? सेकंड बेंच पे बैठ के। तो क्लास में ना मोबाइल स्विच ऑफ करने बोला है। स्विच ऑफ ने वाइब्रेशन पे रखने का बंद करने बोला है। भाई को मोबाइल यूज करने का, भाई वो यूज मत करो। वो चश्मे ना, चश्मे इसके इधर। ए सर, हाय ब्रो। वेयर आर यू गोइंग ब्रो? शॉप पर आ रहा है। हां भाई आ जा। सर सबको डांट रहे हैं, बच्चे कुछ बीच में लाइन में घुस रहे हैं ना, तो सर डांट रहे हैं सबको। लाइन देखो कितनी बड़ी है। सीधा लाइन बनाओ। रूम में था हमारे जितने भी रूममेट थे, सब डिवाइड हो गए। जिसके नाम का अल्फ़ाबेट ए बी सी ऐसे आया था ना, तो मेरा मोहम्मद दानिश है तो मेरा एम से आया, इसका अफ़ान है इसका ए से आया, तो ये अलग हॉस्टल में चला गया, मैं अलग हॉस्टल में चला गया, सारे दोस्त बिछड़ गए। अभी ऐसे ही अकेडमी का ग्राउंड है जहाँ पे सुबह में रोज़ प्रेयर होती है, मास्टर होता है 3 टाइम। ये है अपनी कैडर बिल्डिंग। सर जाने नहीं देंगे भाई, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ में ना, जनवरी में, तो पूरा डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा के लेंगे पहले, उसके बाद ही जाने देंगे। चौरासी अब बुक ये। और तुझे बुक्कड़ दिन रात खाते रहता है। और तुझे? आज के खाने में है राजमा चावल, भिंडी रोटी, सैलेड और पापड़, यही है ना? और मीठे में क्या था भाई? ये क्या है, क्या कहते हैं इसको? सेवई। सेवई पानी वाली। देखो भाई आज सैटरडे है, तो आज पूरे हॉस्टल में चल रही है सफाई, क्लीनिंग हो रही है। अपना प्रॉब्लम, आज सफाई चल रही है पूरे हॉस्टल में। सीढ़िया सर ने बातें करने बोले, पहले ये करके लेने का, पूरा का पूरा फ्लोर रूम ये करके लेने का पहले। तो अभी देखो सब बच्चे लगे पड़े हैं सफाई करने। अंकित पाल हुआ? ये है क्लीन शिप डे, सैटरडे क्लीन शिप डे, ये सब शिप में काम आने वाला है। ये पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है, कैसे क्या करने का है शिप पे, भी ऐसा ही रहने का, कैसा है ना कि शिप पे खुद कुछ भी काम लगा सकते हैं जो ट्रेनी रहते हैं उनको। तो सौरभ भाई हो गया तुम्हारा रूम साफ हो गया ना? ये है हॉस्टल लाइफ। बहुत अच्छे शाबाश। अरे ऐसे करना जिससे कि ना ये मिट्टी ना ज़्यादा उड़ के तुम्हारे बिस्तर पे ना गिरे। हाँ बिस्तर पे नहीं गिरना मांगता, क्योंकि तुम सोने वाले हो उसके ऊपर। धोबी मेरी शर्ट ला के दूँ? हाँ वाइट कलर की लेके आऊँ। हाँ
फरहान भाई क्या कर रहे हो? हाँ भाई जाले भी साफ करने के हैं, ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जाले भी साफ करने के अपने को। बहुत अच्छे। तो कैसा फील हो रहा है क्लीनशिप करते हुए आज? तुम्हारा रूम हो गया? हमारा रूम भी हो रहा है। इब्राहिम भाई सफाई हो गई तुम्हारी? मनु भाई काम चल रहा है पूरा सही से? ये देखो सेफ भाई कर। भाई क्या लगता है सफाई क्यों करवा के ले रहे हैं इस टाइम पे हमारे से? भाई सफाई तो सिप में भी साफ सुथरी रखनी पड़ेगी सिप को, और इसीलिए यहाँ पे रूल रेगुलेशन को ही सिखाया जा रहा है। सब कुछ एकेडमी को साफ सुथरा रखना हमारा ही काम है। क्लासरूम में हम ही बैठते हैं, हमारा रूम साफ होगा, रूम में हम ही रहते हैं सोते हैं, इसलिए सब कुछ हमारे लिए किया जा रहा है, किसी और के लिए नहीं है। ये साफ सफाई करना झाड़ू लगाना भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, क्योंकि सिप पे जाने के बाद सब कुछ खुद ही करना है हमें। सिप में जाएंगे कैप्टन बोलेगा रूम को साफ करो, तो ये नहीं कि झाड़ू निकाल दिया और पूरा रूम को ही साफ करना पड़ेगा क्लीन एंड सेफ। इसमें बीमारियों से बचना, वरना सिप के जो रूम होते हैं कैबिन वो काट के होते हैं, वुड के बने, कॉकरोच हो जाएंगे और कुछ हो जाएंगे, इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ ये देखो फुहारा चल रहा है पानी का, और ऊपर देखो बच्चे कितने सफाई कर रहे हैं। ऑल बॉयज आर परी, तेरा नाम बता। शाबाश मंजीत। ट्रेनिंग। सबको पता है आज हमारा हॉस्टल में सातवां दिन है, तो बच्चे बड़ी कंप्लेंस करते हैं, ये खाना अच्छा नहीं है, ये रूम अच्छा नहीं है, ये वॉशरूम अच्छा नहीं है। अभी जब सब यहाँ से जाएंगे ना, तो सब ऐसा ही पूरे होने वाले हैं सब, क्योंकि हम जब आए थे ना स्टार्टिंग में तो हमें रूम दिए थे, और दो तीन दिन ऐसा था कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने रूम्स में थे, और जब रूम चेंज हुए ना तो सारे दोस्तों के चेहरे ऐसे उतरे हुए थे ना, पूरे एकदम रोने के जैसे हुए थे। तो वो चीज़ जब 6 महीने होंगे तो फिर क्या समझ में आने वाला है क्या होगा। बड़ा मुश्किल होगा फिर तो, क्योंकि अभी यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बने ना सब दोस्तों के साथ, दो तीन साथ में रहे, वही ऐसा हो रहा है कि भाई हमें वापस रूम में आना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए उस वाले रूम में जो पहले थे। बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, और वैसे भी अपने अकेडमी इतनी ऐसा नहीं है कि भाई एकदम गंदी सी है, खूबसूरत है काफ़ी। देखो नज़ारा देखो क्या अच्छा है ना, एकदम लगता है यार कहीं पर ऐसे कहीं कचरे में थोड़े ना पड़े हैं, इतनी मस्त तो है दिखने में, अच्छी खासी है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं लगती, बट सब चीज़ों को जलना आना चाहिए ना, सब धीरे धीरे बराबर होता है। पहले अपने को आदत नहीं रहती है, उसके बाद आदत होती है, वो अपनी आदत बन जाती है, फिर अपने को अच्छा लगता है, फिर बाद में वो याद चीज़ याद आती है। मैं अगर अपनी बात करूँ भाई, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे रहकर। घर की बात अलग है, घर जैसा तो कहीं नहीं होता, इतनी भी अच्छी जगह चले जाओ, बट मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ एम है, उसके पहले स्टेप पर हम पहुँचे। कुछ तो ट्रेनिंग होने के बाद कुछ तो आसान रहेगा ना, सीडीसी मिल जाने के बाद। रात में एकेडमी ऐसी लगती है, जा भाई रात में ऐसी दिखती है अपनी एकेडमी। ये देखो इनका झगड़ा चल रहा है, इसका झगड़ा चल रहा है इन अंकल का। कहाँ चले भाई इब्राहिम भाई, कहाँ चले, कहाँ खराब कर रहे भाई? ये तो आना चाहिए, ये ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर ये लाइब्रेरी है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक दो साइड तक ये लाइब्रेरी है, मैंने अभी नोटिस किया।
खाली है, कैफे भरी हुई है, क्योंकि खाना अभी अभी शुरू हुआ है 20 मिनट पहले। आज देखते हैं खाने में क्या है, फिर आपको ही बताते हैं। तब तक के लिए आप वेट करो, सब खाना खाने आए हैं। आज है बिरयानी, वेज बिरयानी, बट वेज बिरयानी नहीं होती, वेज पुलाव ही होती है, तो ये वेज पुलाव है। आज मेन्यू में था क्या है, मटर 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 नहीं है वो रायता पापड़, और एक सब्जी थी ना दाल दाल रोटी, और एक उसका हलवा था वो नहीं लिया हमने, ये आइटम ये एक था, ये पीला पीला था, ये क्या है, ये क्या क्वेश्चन पूछा था आज यार, बात करो अभी सर भी मारेगा, कुत्ता भी नहीं, मैं तो दूसरा कुत्ता ला के बोल रहा हूँ, पकड़ा गया पकड़ा गया। खाली मूवमेंट अलग होता है यार, बनाना पड़ता है, कॉमेडियन अच्छा थोड़ी ना होता है, करके ऐसे सीक्रेट लीक करेंगे घर वालों को रहने देगा कभी। ओ भाई यार कितना फनी बनता है। आया था क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन था ऐसा, हाँ कोर्ट वाला क्या क्वेश्चन था, वो एलटीटी के बारे में बता रहे थे। हाँ वो उसमें थे ना इंडियन नेवी में, बता रहे थे कि हम लोग बंदों को भी ब्लैक मतलब ज़्यादा देखते हैं। हाँ कौन सर, अरे वो सुनिए तो तूने क्या पूछा उनसे, फिर नाम काटे नाम भी बता रहे हो सर, बता रहे थे मतलब कि हम लोग की जहाज़ी कैसे जाती है ना, ये कौन है पास। अच्छा तो क्या हुआ सोमालिया का, सोमालिया में चार महीने होते थे, हर दो दिन में एक जगह जो है हाईजैक कर लेते। अरे यार वहाँ पे हाईजैक करके लूट पार्टी, हाँ हाँ अभी कम हो गया, बता रहे थे स्टैंड अप कॉमेडी खोलना, तो स्टैंड अप कॉमेडी तू तू दिल्ली वाले हरियाणा वाले उर्दू वाले भी करते हैं, जो बहुत मजबूरी आती तब करते हैं, दिल्ली वाले भाई प्रैंक होते पंडित रा पूरा नाम क्या है, सत्यम पांडे, बाप का नाम क्या है, पापा का इधर है ये वो कहाँ गया, गौरव कहाँ गया, गौरव का इंदौर में वो गड़बड़ा, क्या हुआ उसका, छत्तीसगढ़ का ना एक जगह पे सी डबल एच है, एक जगह पे सी एच है, सी डबल एच होता है ना छः का, हाँ वो उसका छत्तीसगढ़ एक छत्तीस एकदम छत्तीसगढ़ छत्तीस है, ये छत्तीस है एकदम छत्तीस है। आपने देखा इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, क्लास में गए, हॉस्टल साफ़ किया, क्लासरूम साफ़ किया, और अभी अभी शाम हो गई है, अभी 9:30 बज गए हैं, तो अभी जाते हैं, अभी थोड़ा पढ़ाई करते हैं फिर सोने गए। ओके तो गुड बाय, गुड नाइट, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, थैंक यू।